हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर आपका 3D का आपने रिवाइज कर लिया, क्या पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं वहीं से। अलाइन मेक्स एंगल अलाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब विथ 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equals to 4/3। ये क्वेश्चन है, आपको बोला गया एक लाइन जो है क्यूब के डायगोनल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्यूब में 4 डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल मीन्स बॉडी डायगोनल, है ना, तो उनसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाती है और आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट ले लेते हैं। ये क्यूब हमने फॉर्म कर लिया यहाँ पर, तो 4 डायगोनल्स हमें डिफाइन करने हैं। क्यूब की साइन लेंथ मैंने 1 यूनिट सपोज कर ली है, तो 1 यूनिट सपोज कर लेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई, दिस इज जेड, है ना। तो ए एक्स एक्सिस पर है तो ए का कोण है 100, बी वाई एक्सिस पर है 010, सी जेड एक्सिस पर है 001, डी एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है तो इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, ई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पर है, एक्स जेड प्लेन पर है तो वाई 0 होगा, एफ पॉइंट जो है वाई जेड प्लेन पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, जी पॉइंट स्पेस में है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 111। मैंने ये सपोज कर लिया क्यूब की साइड लेंथ जो है 1 यूनिट है, ठीक है ना। अब यार इसमें चारों डायगोनल्स डिफाइन करने हैं, तो एक डायगोनल तो इसका आ जाएगा ओ जी, है ना। तो पहले मैंने ये सपोज कर लिया लाइन जो है एक वेक्टर के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, लेट द लाइन इज ट्रैवलिंग अलोंग द वेक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। मैंने ये सपोज कर लिया लाइन इस वेक्टर के अलोंग ट्रैवल कर रही है ना, तो फर्स्ट डायगोनल पहला डायगोनल मैंने ले लिया ओजी, ओजी क्या आएगा, सेकंड डायगोनल ओजी के बाद मैंने ले लिया है सीडी। डायगोनल कैसे डिसाइड कर रहे हैं अपन, पीछे वाले फेस को फ्रंट फेस के अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो चार बॉडी डायगोनल रूम के अंदर मिलते हैं। सीडी वेक्टर बचो क्या होगा, आई प्लस जे माइनस के,
तो दो डायगोनल डिफाइन कर ले, दो और होंगे, दो और कौन कौन से, एक तो मुझे दिख रहा है AF, क्योंकि A जो है पॉइंट है फ्रंट आगे वाले फेस में, F पीछे वाले फेस में, और अपोजिट पॉइंट है, तो AF AF क्या आ जाएगा, माइनस AF, F माइनस A माइनस I प्लस J प्लस K, एक AF ले लिया, D4 होगा BE, I माइनस J, I माइनस J प्लस K, तो लाइन इस वेक्टर के लॉन्ग ट्रेवल करे, चार बॉडी डायगोनल रूम के ही आ गए है ना। अब कॉस अल्फा निकाले, कॉस अल्फा क्या होगा, इस लाइन का डायगोनल डी वन से एंगल, तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट ले लेते, इसका इससे एंगल, एल प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री, कॉस बीटा लाइन का डी टू से एंगल, कॉस बीटा निकालेंगे तो एल प्लस एम माइनस एन कॉस गामा निकालेंगे, ये आ जाएगा एंड ऊपर लिख देते कॉस डेल्टा निकालेंगे, तो लाइन का डी फोर से एंगल, तो L माइनस एम प्लस एन, एंगल वैसे ही निकालेंगे जैसे इसको वेक्टर A बोल दीजिए, इसको वेक्टर B, तो एक cos थीटा होता ना A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B, तो वो एंगल वाला फॉर्मा लगा दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास चारों टर्म आ गया, अब हमको इनका सम ऑफ स्क्वायर डिफाइन करना है, चलिए देखते हैं। देयरफोर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, तो 1/3, तो देखो चारों से बाहर आ जाएगा। एल प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, फोर टाइम्स आएगा एल स्क्वायर, फोर टाइम्स एन स्क्वायर है ना, और दो दो के जो प्रोडक्ट वाले टर्म आएंगे वो सारे टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर देखेंगे 2lm माइनस 2lm कैंसिल, 2lm प्लस का 2lm माइनस का कैंसिल, mn 2mn प्लस का 2mn माइनस का कैंसिल हो गया, 2mn प्लस का और 2mn माइनस का ये कैंसिल हो गया, 2ln प्लस का आएगा माइनस 2ln कैंसिल हो गया, माइनस 2ln और प्लस 2ln, तो दो दो के प्रोडक्ट वाले टर्म सारे के सारे यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज वन, पढ़ाई था लास्ट टर्म में डीसीज का सम ऑफ स्क्वायर वन होता है, तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन यू गेट द रिजल्ट, आंसर इज 4/3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अ वेरिएबल लाइन हैज डीसीज एल एम एन एंड एल प्लस डेल्टा एल, एम प्लस डेल्टा एम, एन प्लस डेल्टा एन इन टू एडजेसेंट पोजिशंस, इन टू
एडजेसेंट इनटू एडजेसेंट पोजीशंस इफ डेल्टा थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस delta theta the angle between the lines in these two positions then prove that delta theta square delta l square plus delta m square plus delta n square ये proof करना है. तो एक variable line है उसके दो adjacent position में DCs दे रखे, एक LMN है और जब line को हमने delta theta angle से displace किया है दिस वन, तो उसके डीसी एल प्लस डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम एन प्लस डेल्टा एन है. आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है. अब कुछ ऐसे सपोज कर सकते हैं लाइन ओरिजिनली कुछ इस तरह की है ना, और इसके डीसी क्या हैं एल एम एन. अब मैंने क्या किया, लाइन को हमने डेल्टा थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया एंड this is a very very small angle delta theta. line को displace करेंगे तो obvious सी बात है उसके DCs change हो जाएंगे और new DCs क्या हैं l plus delta l m plus delta m sorry and n plus delta n. ये line के DCs हैं. आपको ये result prove करना है, ठीक है ना. चलिए तो मैंने सपोज कर लिया, मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन सपोज कर लिया, इस लाइन को ओरिजिन सपोज कर लिया. लाइन के बीच का एंगल डेल्टा थीटा दे रखा था, यानी इट मींस दैट ये दोनों पोजीशंस जो है किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. अब एक काम कर सकते हैं यार, ये रिजल्ट लाना है तो मैंने क्या किया, इन लाइन्स पर यूनिट वैक्टर्स डिफाइन कर लिए. इस लाइन पर एक पॉइंट पी ले लिया, इस पर क्यू ले लिया, सच दैट कैसे लिया, OP डिस्टेंस 1 यूनिट ले ली, ठीक है ना. अच्छा OP अगर 1 यूनिट है तो वेक्टर OP अपने पास आ जाएगा, वेक्टर OP भी आ जाएगा, वेक्टर OQ भी आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी यूनिट वेक्टर में जो IJK के कोफिशिएंट होते हैं वो उसके DCs होते हैं. तो OP वेक्टर क्या आएगा, LI plus MJ plus NK, और OQ वेक्टर क्या आएगा, दिस I plus दिस J plus दिस K. OP OQ दोनों डिफाइन कर लिया. बात कर रहे हैं यार, ये रिलेशन मेरे को पिक्चर में लाना है. अच्छा यहाँ पर ये फोकस करना, डेल्टा थीटा लाइन को मैं जस्ट रोटेट किया, डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल है ना. तो एक फाइन अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. इफ डेल्टा थीटा इज रियली वेरी स्मॉल एंगल देन हम ये जो डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट मैंने पी और क्यू लाइन के दो एडजेसेंट पोजिशन पर मार्क किए हुए हैं, तो एक बार हम ये वाली डिस्टेंस निकाले, लाइन सेगमेंट पी क्यू की लेंथ निकाले, और एक बार हम ये आर्क लेंथ निकाले है ना. For a very very small angle delta theta, these two length are approximately equal, है ना. क्योंकि ये relation exact नहीं आएगा, ये relation जो आएगा ये एक approximation से generate होगा. अगर delta theta बहुत ही छोटा angle है तो ये जो length आ रही है, जो line segment PQ की length और ये जो arc length आ रही है, दोनों same होनी चाहिए है ना. तो ये approximation मैं यहाँ पर use करूँगा.
अच्छा अगर ये यूनिट वेक्टर है तो पी का एक तरह से ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ये पी का कोऑर्डिनेट आ गया और ये क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया। तो डिस्टेंस पी क्यू तो हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, ये पी का कोऑर्डिनेट है और ये क्यू का कोऑर्डिनेट है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कुछ ऐसा बन जाएगा। और आर्क लेंथ निकालना, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, एल इक्वल्स टू आर थीटा पढ़ते थे ना। तो आर्क लेंथ आएगा रेडियस इनटू एंगल। अच्छा रेडियस कितने लिए मैंने, इसको वन यूनिट लिया है, ओपी ओक्यू दोनों वन यूनिट है, तो वन इंटू डेल्टा थीटा, एंगल इनके बीच का डेल्टा थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करते ही आप इमीडिएटली यहाँ पहुँच जाएंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है क्या? चलिए आप प्रेजेंट बात करते प्लेन की। प्लेन की डेफिनेशन क्या है? प्लेन एक तरह से एक इनफाइनाइट सरफेस होता है, और एक ऐसा सरफेस जिसमें हम कोई भी दो पॉइंट मार्क करें और उनको ज्वाइन करें, तो उनको ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आता है वो लाइन सेगमेंट कम्प्लीटली सरफेस पर लाई करता है। अगर लाइन सेगमेंट कम्प्लीटली सरफेस पर लाई करता है तो ऐसे इनफाइनाइट सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन, है ना। और इसकी डेफिनेशन कुछ कुछ इक्विलिडियन फिगर से मैच करते हैं, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले लेक्चर में पढ़ा होगा। दो तरह के पॉलीगन होते हैं, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है। तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन भी एग्जैक्टली वही है कि अगर किसी पॉलीगन में हम कोई भी दो पॉइंट मार्क करें और उनको ज्वाइन करें, लाइन सेगमेंट अगर पूरा पॉलीगन के अंदर लाई करता है तो कॉन्वेक्स होगा, कुछ पार्ट अंदर है कुछ बाहर है तो उसे कॉन्केव पॉलीगन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को भी। अ प्लेन इज अ सरफेस plane is a surface such that a line segment joining any two points lies completely on the surface। और सरफेस में कहीं पर भी आप दो पॉइंट मार्क करें, उनको ज्वाइन करें, अगर कंप्लीट लाइन सेगमेंट सरफेस पर लाई करता तो ऐसे इनफाइनाइट सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात करें प्लेन की इक्वेशन, तो जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, दो वेरिएबल x सब i में जो 1 डिग्री का रिलेशन होता है दैट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम बात करें 3 वेरिएबल में, तो 3 वेरिएबल में x, y, z में जो 1 डिग्री रिलेशन होता है दैट इज दैट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ऑफ टाइप ax plus by plus cz plus d equals to 0 represents a plane। इसी हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन, ax plus by plus cz plus d equals to 0। ठीक है ना। यहाँ पर abcd क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। इन पर एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि ये सारे के सारे कोफिशिएंट एक साथ 0 नहीं हो सकते, है ना। वेयर
their ABCD are arbitrary constant and all of them are not simultaneously, ये सारे के सारे एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ठीक है ना। कम से कम एक को नॉन जीरो होना पड़ेगा। ए बी सी जीरो हो जाए, डी नॉन जीरो हो जाए तो मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब ए बी सी में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। इन केस अगर सारे एक साथ जीरो हो जाए, इस पर जी ने एक बार क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, व्हाट हैपेंस इफ ऑल द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर साइमल्टेनियसली जीरो। अगर ए बी सी डी चारों एक साथ जीरो ले लिया जाए, वैसे बेसिकली देखा जाए तो चार कॉन्स्टेंट नहीं है। आप पर ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर देयर, देयर आर ओनली थ्री आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। थ्री कैसे हैं, कैसे सपोज दैट कि डी की बात करें, आपको तो चार देख रहे हैं, तो अगर डी जीरो हो गया तब तो तीन दिख ही रहे हैं। इनकेस डी जीरो नहीं है तो डी को दस शिफ्ट कर दीजिए और डी का डिवाइड लगा दीजिए। डी का डिवाइड लगा देंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो फिर ये पिक्चर में तीन ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट दिखाई देंगे। यानी एक प्लेन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए कम से कम तीन कंडीशन चाहिए, फिर तीन पॉइंट चाहिए। तो तीन पॉइंट से एक यूनिक प्लेन पास होता है, ठीक है ना। चलिए ए बी सी डी अगर सारे के सारे जीरो हो जाए, देन स्टार एम्प्लाइज, ये फॉर्म क्या बन जाएगी, जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस जीरो इंटू जेड इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है अगर ए बी सी डी सारे जीरो हो जाए, तो देखिए ये जो इक्वेशन है एक तरह से एक आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। एक्स बाई जेड आप कोई भी वैल्यू उठा के डालेंगे क्योंकि सारे कोफिशिएंट पे जीरो है, तो आप एक्स बाई जेड की कोई वैल्यू पुट करेंगे, राइट हैंड साइड हमेशा जीरो आएगा। ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी हर ट्रिपलेट एक्स बाई जेड के लिए, है ना। यानी स्पेस का कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर डालेंगे तो हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस रिप्रेजेंट द होल ऑफ 3D स्पेस। होल 3D स्पेस को जनरेट करता है ये, ठीक है ना बच्चों। इसको हम एक केस बना कैसे भी लिख सकते हैं, जो अभी मैं बोल रहा था, इफ D जीरो नहीं है तो D का मैंने डिवाइड लगा दिया, तो गिवन प्लेन को पहले तो मैंने डी को उधर शिफ्ट कर दिया, माइनस डी बना दिया, माइनस डी का डिवाइड लगा दिया, तो समथिंग लाइक दैट। जैसा आप इस स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे इंटरसेट फॉर्म, तो एक तरह से ये प्लेन की इंटरसेट फॉर्म है जो आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। तो इस प्लेन को हम लोग कुछ इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि नीचे दिख रहा है कि यहाँ पे केवल और केवल तीन ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आ रहे हैं। अगर हम इसको अल्फा कॉल करें, इसको बीटा, इसको गामा, तो प्लेन की इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ थ्री आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब बात हम लोग करने जा रहे हैं कि प्लेन की डिफरेंट फॉर्म, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन की डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। Different forms of the equation of plane. तो first form है a point and a vector
नॉर्मल टू इट। मतलब एक पॉइंट से जाने वाला प्लेन, प्लेन पर एक पॉइंट दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है एन कैप, है ना। एन कैप क्या, एन ले लीजिए, है ना। अब प्लेन की इक्वेशन वजह को निकालनी है, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। प्लेन पर कहीं पर भी एक जनरल पॉइंट पी पुट कर लिया जिसका पोजिशन वैक्टर मैंने ले लिया आर, ए को पी से ज्वाइन कर लिया, ए पी वैक्टर डिफाइन कर लिया। अब ये ए पी वैक्टर प्लेन पर वैक्टर है और एन प्लेन का नॉर्मल वैक्टर है, तो दोनों वैक्टर कैसे होंगे, पर ये प्लेन पर वैक्टर और ये प्लेन का नॉर्मल वैक्टर है, तो दोनों वैक्टर परपेंडिकुलर होंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, है ना। तो सिंस AP is perpendicular to N, both vectors are perpendicular, this implies 0 हो जाएगा। R minus A dot N 0, this implies R dot N equals to A dot N। ये क्वेश्चन आ जाएगी आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन, ठीक है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गए प्लेन की, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन आ गई जो एक पॉइंट से पास होता है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एन दे रखा है। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता हो, एक पॉइंट पता हो, तो यहाँ से प्लेन आप वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। बट इफ वी आर इंटरेस्टेड टू राइट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस प्लेन, तो अपन एक काम कर सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिया, कार्टेशियन फॉर्म अगर यहाँ से निकालनी इसी प्लेन की, तो ए का कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिया एक्स वन वाई वन जेड वन, अच्छा आर तो वही होता है जनरल पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड। जो नॉर्मल वेक्टर था आपका, अच्छा ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं बोला गया, तो कुछ भी लेट कर लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब ये डेटा उठा के पुट कर दो, तो आर डॉट एन, आर डॉट एन मतलब इसका इससे डॉट क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए डॉट एन, ए डॉट एन मतलब इसका इससे डॉट, तो ये क्या आ जाएगा ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, दिस विल इम्प्लाइज ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन c टाइम जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। ये प्लेन की इक्वेशन आ रही है, एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन है ना। तो a टाइम्स x माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स y माइनस वाई वन प्लस c टाइम जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये कि यहाँ पर जो प्लेन की इक्वेशन में ये जो x y z के कोफिशियंट है a b c, इनको नोटिस कीजिए, ये जो प्लेन की इक्वेशन में x y z के कोफिशियंट आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये n कैप प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है और a b c उसके क्या है dr, drs में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये गिवन नहीं है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वन है, अगर वन है तो dc बोल सकते हैं, वन नहीं है तो drs ऑफ कभी भी बोल सकते, dr बोलना कभी भी गलत नहीं है। तो ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है, यहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं, प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स होते हैं, तो उसको लिखना इंपॉर्टेंट है। हियर ए कॉमा बी कॉमा सी आर द डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। यानी एक प्लेन लिखने के लिए मुझे दो पैरामीटर चाहिए, प्लेन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स, ठीक है। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन गिवेन है देन अपन इमीडिएटली प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं।
चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन है, तो एक ऐसा प्लेन निकलना है जो इस पॉइंट से पास होता है और इस प्लेन के पैरेलल है ना। तो प्लेन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? प्लेन निकालने के लिए अपने को दो पैरामीटर चाहिए, प्लेन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स, है ना। लेकिन जो अपने को प्लेन निकालना है वो इस प्लेन के पैरेलल है। आप जरा सोचिए, अगर दो प्लेन पैरेलल है ना, तो जो पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वही दूसरे पर भी, दूसरे का भी नॉर्मल का रोल प्ले करेगा, यानी दोनों प्लेन में कॉमन नॉर्मल होगा। तो अगर मेरे को रिक्वायर्ड प्लेन निकालना है तो यहाँ पर जो गिवन प्लेन के नॉर्मल के डी आर सारे हैं वही रिक्वायर्ड प्लेन में भी वर्क कर जाएंगे, है ना। तो एक लाइन लिख सकते हैं क्लियरली कि दोनों का नॉर्मल सेम होगा, क्लियरली डी आर ऑफ नॉर्मल टू द required plane are proportional to proportional to 3 minus 4 2। तो ये DRs आ गया। DRs मतलब ये ABC का काम करेंगे और point already given था। ये किसका role play कर रहे हैं? ये A है, ये B है और ये सी। अच्छा प्रोपोर्शनल, बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था प्रोपोर्शनल इसलिए बोलते हैं बिकॉज डी आर यूनिक नहीं होते, आप इस पर टू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं प्लेन की इक्वेशन में, है ना। तो हमेशा एक टर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डी आर ऑफ प्रोपोर्शनल, यदि डी आर है तो ये नंबर है या फिर इस नंबर में किसी भी आप नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये डी आर का रोल प्ले कर रहे हैं और ये पॉइंट का रोल प्ले कर रहे हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन। अब डी आर पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन एक पॉइंट से जाने वाला प्लेन क्या होता है, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो, समथिंग लाइक दैट। दैट इज क्या बन रही इक्वेशन, थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू जेड। अब कॉन्स्टेंट देख लो यार, माइनस सिक्स आएगा यहाँ से माइनस ट्वेल्व, माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व, माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व, माइनस एटीन और माइनस टू ट्वेंटी। ये आ रही है प्लेन की इक्वेशन, थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू ट्वेंटी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है, सॉरी यहाँ पर एक और मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने तो बोल दिया कि दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो दोनों के लिए नॉर्मल सेम रहेगा। कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं कि टू पैरेलल प्लेन, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, जैसे हम लोग 2D में पढ़ते थे, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होता। स्लोप सेम होने का मतलब है कि उन दोनों की इक्वेशन में कॉन्स्टेंट का डिफरेंस होता है, है ना। तो हमको जो प्लेन निकालना वो इस प्लेन के पैरेलल है, एंड टू पैरेलल प्लेन्स आर ओनली डिफर बाई देयर कॉन्स्टेंट टर्म, है ना। तो सिंस two parallel planes are only differ
y the constant term. Therefore, equation of required plane, constant change कर देते हैं. कॉन्स्टेंट की प्लेस पे लैम्डा लगा दिया. अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है ना, पास करा दीजिए. तो लैम्डा क्या आ जाएगा, 3 2 6 प्लस 12 प्लस 2 6 प्लस 12 18 प्लस 2 दैट कम्स आउट टू बी 20. तो 20 पुट कर देंगे, वी गेट द सेम इक्वेशन, ठीक है ना. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, थ्रू द पॉइंट वन जीरो माइनस टू एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन and perpendicular to the plane 2x plus y minus z equals to 2 and perpendicular to the planes, दो plane के perpendicular है, in this and x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3. ये क्वेश्चन है. तो एक ऐसा प्लेन निकालना है जो एक पॉइंट से पास होता है और दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना. तो प्लेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डीआरस, है ना. तो जो हमको प्लेन निकालना है वो दो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना. तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, 2i बाई कोफिशिएंट देख लीजिए, 2i प्लस j माइनस k. मैंने बोला था ना प्लेन की इक्वेशन में जो x, y, z के कोफिशिएंट्स होते हैं वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के drs होते हैं. तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर के drs क्या होंगे, 2, 1, माइनस 1, तो नॉर्मल वेक्टर हमने यहाँ से लिख दिया. सिमिलरली जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, i माइनस j माइनस k. अरे बस वन में, तो जो हमको प्लेन निकालना है वो n1 के भी परपेंडिकुलर है, n2 के भी परपेंडिकुलर है, तो किसके लॉन्ग ट्रेवल करेगा, n1 क्रॉस n2. क्लियरली द नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन, नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन is traveling along the vector n1 cross n2. क्योंकि हमको जो प्लेन निकालना है वो दो प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि दो प्लेन के बीच एंगल हम कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. तो हमको जो प्लेन निकालना है वो n1 के भी परपेंडिकुलर है, n2 के परपेंडिकुलर है, उसका नॉर्मल किसके लॉन्ग ट्रेवल करेगा, n1 क्रॉस n2. और n1 क्रॉस n2 में जो ijk के कोफिशिएंट आएंगे वो रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के drs होंगे, है ना. चलिए निकालते हैं n1 क्रॉस n2 ijk, ठीक है, ijk. और पहले प्लेन का नॉर्मल क्या है, 2 1 माइनस 1, दूसरे प्लेन का नॉर्मल 1 माइनस 1 माइनस 1, आई इंटू माइनस 1 माइनस 1, जे इंटू माइनस 2 प्लस 1
के इंटू माइनस टू माइनस वन, आई थिंक माइनस टू आई प्लस जे माइनस थ्री के, तो ये रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल आ रहा, तो डी आर्स क्या आ जाएंगे, डी आर्स आएंगे माइनस टू वन माइनस थ्री, दे आर फोर, डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, माइनस टू वन माइनस थ्री, है ना। तो ये डी आर्स आ गए, पॉइंट दे ही रखा था, इक्वेशन लिख सकते हैं, देयर फोर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन इंटू वाई माइनस जीरो माइनस थ्री इंटू जेड प्लस टू इक्वल्स टू जू समथिंग लाइक दैट। तो माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड, कॉन्स्टेंट की बात करें तो माइनस टू आएगा और माइनस नहीं नहीं माइनस टू नहीं है प्लस टू आएगा, सॉरी यहाँ से प्लस टू आ रहा है और यहाँ से माइनस सिक्स आ रहा है, ओवरऑल हुआ माइनस फोर। इक्वल टू फोर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस प्लेन को जो मैंने इतना डिटेल लिखा है यार, इसको हम लोग रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं सिंगल लाइन में, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कोशिश करिएगा समझने का। एक्चुअली क्लास में बैठे हो तो 3D समझाना आसान होता है, क्लास में नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता फील कराना। रब कर रहा हूँ मैं इस पार्ट को, देखिए आपने को जो प्लेन निकालना है वो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर, आप थोड़ा ऐसे फील कीजिएगा कि जैसे फ्लोर वाले प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है, और फ्लोर वाला प्लेन ये जो सामने वॉल है इसके भी परपेंडिकुलर है और ये जो बोर्ड वाली वॉल है उसके भी परपेंडिकुलर है ना। तो फ्लोर वाला प्लेन अगर सामने वाली वॉल के परपेंडिकुलर है तो सामने वाली वॉल का जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है ये आ रहा है, इसको अगर हम फ्रीली प्रोजेक्ट करें तो ये फ्लोर पर लाई करेगा, है ना। एक्चुअली मेरे को मैं कंसेप्ट क्या यूज़ कर रहा हूँ, मुझे फ्लोर की इक्वेशन लिखनी है, प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो एक आइडिया जो हम लोग वेक्टर में सीखते थे, किसी भी तरह से प्लेन पर तीन वेक्टर डिफाइन कर लीजिए, थ्री वेक्टर्स अगर हम प्लेन पर डिफाइन कर ले तो हम लोग बोलेंगे तीनों वैक्टर्स कोप्लेनर हैं, और तीन वैक्टर कोप्लेनर है तो इनका एस टी पी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये फ्लोर वाला प्लेन सामने वाली वॉल के परपेंडिकुलर है, तो सामने वाली वॉल का जो ये जो नॉर्मल आ रहा है ये नॉर्मल को फ्रीली प्रेजेंट करे फ्लोर पर लाई करेगा, तो एक वैक्टर मिल गया। अच्छा फ्लोर जो है ये बोर्ड वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, तो बोर्ड वाले प्लेन का जो नॉर्मल आ रहा है इसको भी फ्रीली प्रेजेंट करो, क्योंकि हमने पहले दिन ही लेक्चर में पढ़ते हैं कि मैथ्स में जो वेक्टर होते हैं वो फ्री वेक्टर्स होते हैं, उनको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसको फ्रीली प्रेजेंट किया जाए तो ये भी प्लेन पर लाई करेगा। तो दो वैक्टर तो हमको प्लेन फ्लोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए, एक वैक्टर मेरे को डिफाइन करना है, तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा, एक पॉइंट तो फ्लोर पर दिया ही था वन जीरो माइनस टू, और प्लेन की इक्वेशन मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है, तो प्लेन पर कहीं पर भी जाके मैंने एक पॉइंट पी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इस जनरल पॉइंट पी को इस पॉइंट से ज्वाइन करके एक जनरल वेक्टर डिफाइन कर दीजिए, पॉइंट पी को इस पॉइंट से ज्वाइन करके एक जनरल वेक्टर डिफाइन कर दिया, तो एक वेक्टर मैंने डिफाइन किया, दो वेक्टर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए, तो तीनों वेक्टर फ्लोर पर हैं, कोप्लेनर है, तो उनका एसटीपी जीरो होगा, है ना। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखिए एक्स वाई जेड को इससे ज्वाइन करके एक जनरल वेक्टर एक्स माइनस वन वाई माइनस जीरो जेड प्लस टू, है ना, और दो वेक्टर ये आ जाएंगे टू वन माइनस वन, एक यहाँ से वन माइनस वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसको ओपन करेंगे ये मतलब आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ये लिखा इसलिए दिया कि इन केस के कोई क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट में आता है, एक फॉर्म आपको लिख कर दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट में लिख कर दिया गया है, तो या तो आप डिटर्मिनेंट चेक कर लें, ओपन करके चेक करें, या फिर डायरेक्ट आपको ये कंसेप्ट आई थिंक पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट,
द फीट ऑफ नॉर्मल द फीट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन द फीट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन ऑन ए प्लेन इज अल्फा बीटा गामा। ये दे रखा है आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जिस पर ऑरिजिन से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। सपोज करो बोल्ड वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये पॉइंट ऑरिजिन है, ऑरिजिन से मैंने इस ग्रीन बोल्ड पर परपेंडिकुलर डाला और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट देख रहा है ना, इसका कोऑर्डिनेट मेरे को अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है और ये वाली जो फिंगर है इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला है ना। अब ये सोचिए प्लेन लिखने के लिए मिनिमम क्या चाहिए, दो चीज़ें। प्लेन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये तो पहले से ही पता है, अल्फा बीटा गामा दिख रहा होगा आपको, है ना, और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डीआरस। तो ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट 0 0 0 है, तो प्लेन और ये प्लेन का क्या हो गया, नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और इस नॉर्मल पर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता, तो डीआरस हम निकाल सकते हैं x2 - x1 / 2 - y1 / z2 - z1 से, है ना। तो डीआरस भी क्या आ जाएंगे इसके, अल्फा बीटा गामा, और पॉइंट भी यही है। तो लिख दीजिएगा डीआर सम नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू अल्फा माइनस 0 बीटा माइनस 0 गामा माइनस 0, दैट इज अल्फा बीटा गामा। तो डीआर सी आ गया, पॉइंट ये दिया ही हुआ है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू वाई माइनस बीटा गामा इंटू जेड माइनस गामा इक्वल्स टू 0, दैट इज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट है 2 2 1 and B (1, -2, 3) and perpendicular to the plane x plus 2y perpendicular to the plane x minus 2y इसके परपेंडिकुलर चाहिए। मतलब प्लेन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवेन है, सॉरी प्लेन पर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवेन है और प्लेन जो है गिवेन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो फिर से यार इसका आंसर अपन एक ही लाइन में डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा अटेम्प्ट कोशिश कीजिएगा समझने का। सपोज करो मेरे को फ्लोर वाला प्लेन निकालना है ना, और ये फ्लोर जो है इस ग्रीन बोर्ड वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है और ग्रीन बोर्ड की इक्वेशन ये दे रखी है। अब की बार फ्लोर पर एक नहीं, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवेन है, फ्लोर पर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवेन है और मेरी प्लानिंग क्या है, मैं बस ये चाहता हूँ किसी भी तरह से, किसी भी मैनर से आप फ्लोर वाले प्लेन पर तीन वैक्टर डिफाइन कर दो। आप अगर तीन वैक्टर फ्लोर वाले प्लेन पर डिफाइन कर दोगे तो मैं बोलूँगा ये ऑल थ्री वैक्टर्स आर कोप्लेनर, इनका एसटीपी यानी इनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, है ना। अब तीन वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, देखो एक वेक्टर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, फ्लोर वाला जो प्लेन है वो बोर्ड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बोर्ड वाले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर, ये जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है इसको हम फ्रीली प्रोजेक्ट करें तो बताइए फ्लोर पर लाई करेगा, है ना। तो एक वेक्टर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया,
है ना। अब दो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, देखो दो पॉइंट ए और बी प्लेन पर दे रखे थे और प्लेन की इक्वेशन मुझे एक्स वाई जेड में लिखनी है, तो प्लेन पर कहीं पर भी दूर जाकर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, जनरल पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, क्योंकि इक्वेशन मुझे एक्स वाई जेड में लिखनी है, तो एक जनरल पॉइंट पी ले लिया। अब इस जनरल पॉइंट को मैंने क्या किया, ए को पी से ज्वाइन करके एक जनरल वेक्टर डिफाइन कर दिया, ए पी ए बी, है ना। अब फ्लोर पर दो पॉइंट तो गिवन थे, एक पॉइंट पी मैंने ले लिया, अब फ्लोर पर तीन पॉइंट है तो तीन पॉइंट से मैं दो वेक्टर डिफाइन कर सकता हूँ, एक ए पी डिफाइन कर दूंगा और एक ए बी डिफाइन कर दूंगा। वेक्टर्स ए पी ए बी एंड एक वेक्टर यहां से, ये जो प्लेन का नॉर्मल है उसको फ्रीली प्रोजेक्ट करें, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के आर कोप्लेनर, है ना। और अगर ये कोप्लेनर है तो इनका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज पी वाई, पी जनरल पॉइंट है अपना एक्स वाई जेड, तो ए पी वैक्टर एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड माइनस वन, ए पी ए बी, ए बी क्या आएगा, बी माइनस ए, दिस माइनस इज माइनस वन माइनस फोर टू, है ना। ए पी ए बी एंड दिस अ वन, ये जो वैक्टर इसके डी आर वन माइनस टू थ्री, तो बस इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिएगा, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई जेड में, ठीक है ना। दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी, फर्स्ट प्लेन है x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, सेकेंड प्लेन है टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड प्लेन है, ठीक है ना। अब इसे फर्स्ट पार्ट मैंने आपसे पूछा है, फर्स्ट पार्ट DCs of their normal DCs of their normals and the acute angle between them, मतलब ये जो दो प्लेन है इनके नॉर्मल के DCs बताइए और उनके बीच का एक्यूट एंगल बताइए। सेकेंड पार्ट है डीसीज ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, दो प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके डीसीज बताने। थर्ड पार्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन equation of the plane perpendicular to both of them perpendicular to both of them through the point 2 to 1 through the point 2 to 1 ठीक है ना। चलिए दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, डीसीज ऑफ देयर नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल के डी आर से रखे हैं, डी आर पता हूँ, डीसीज निकालने तो लेंथ से डिवाइड थ्री थ्री जन नाइन और फोर थर्टीन वन फोर्टीन, तो इसके डीसीज क्या आएंगे, वन बाई रूट फोर्टीन, टू बाई रूट फोर्टीन माइनस थ्री बाई रूट फोर्टीन, और सेकेंड प्लेन के नॉर्मल के डीसीज क्या आएंगे, लेंथ देखिए टू टू द फोर फाइव सिक्स, सिक्स आ रही है लेंथ, तो
√6, 1/√6, 1/√6। देखो dr तो पता ही थे, dr पता, dc निकालना हो तो अपन क्या कर, लेंथ से डिवाइड कर देते। तो एक जॉब तो हमने कंप्लीट कर लिए, दोनों प्लेन के नॉर्मल के dc निकाल लिए। अब मेरे से कहा कि दोनों प्लेन के बीच का एंगल बताइए, तो दो प्लेन के बीच एंगल निकालना इक्विवेलेंट होता है उनके नॉर्मल्स के बीच एंगल निकालना, है ना। तो पहले प्लेन के नॉर्मल के डीसी दिए रहे, दूसरे के ये रहे, तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, वही L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। तो ये आ जाएगा आई थिंक 2/14 6 84, 2/√84 -2/√84 -3/√84। तो यार ये तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा आ रहा है माइनस में, टू नहीं माइनस कैसे हो गया यार, 2 + 2 दोनों प्लस ही तो आएंगे, ये दोनों प्लस आ रहे हैं ना, और लास्ट वाला नेगेटिव आ रहा है, तो 1/√84 आ रहा है। तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक लाइन क्या बोली है, दो प्लेन के बीच एंगल निकालना इक्विवेलेंट उनके नॉर्मल्स के बीच एंगल निकालना। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट डीसीज ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन मिलती है, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट मिलता है, दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। तो उस लाइन के अलोंग मेरे को वेक्टर डिफाइन करना है, समझना जरा। जैसे P1 प्लेन सपोज कर लो यार, एक ग्रीन बोर्ड वाला प्लेन है, और P2 वाला प्लेन फ्लोर वाला प्लेन है। फ्लोर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एज्यूम कर सकते हैं थर्ड आई, आप थर्ड आई अपना यूज़ कीजिए, वहाँ से देखने की कोशिश कीजिए, तो सबको समझ आएगा। तो ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर, नीचे एक लाइन मेरे को दिख रही, होपफुली आपको भी दिख रही होगी। मेरे को बताना है यार इस लाइन के अलॉन्ग वैक्टर क्या होगा, जिसको आई थिंक इसको वैक्टर में भी पढ़ाया गया होगा आपको, और 3D में भी हर जगह हर सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में ये सब आता रहता है। तो समझना जरा, हमको उस लाइन के अलॉन्ग वेक्टर डिफाइन करना है। ग्रीन वाले बोर्ड का नॉर्मल वेक्टर n1 है, ग्रीन बोर्ड का नॉर्मल वेक्टर n1 है। तो ये जो लाइन आ रही है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू n1, क्यों, क्योंकि वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो फर्स्ट प्लेन पर लाई करती है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट प्लेन पर लाई करती है, तो फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, यानी वो जो लाइन है जो इंटरसेक्शन से आ रही है वो n1 के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली फ्लोर वाला प्लेन कौन सा, P2, तो फ्लोर का ही जो नॉर्मल वेक्टर है लाइन उसके भी परपेंडिकुलर होगी, क्यों, क्योंकि वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो फ्लोर वाले प्लेन पर भी तो लाई करती है, अगर वो फ्लोर वाले प्लेन पर लाई करती है तो फ्लोर वाले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। यानी लाइन किस किस के परपेंडिकुलर होगी, लाइन n1 के भी परपेंडिकुलर है और n2 के भी परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन किसके अलोंग ट्रेवल करेगी, n1 × n2। तो हमेशा याद रखना, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन आती है इट इज एक्चुअली ट्रेवलिंग अलॉन्ग द वेक्टर n1 × n2। दिस इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग द वेक्टर n1 × n2, और n1 × n2 में जो ijk के कोफिशिएंट होंगे वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के drs होंगे। तो पहले अपन drs निकाल लेते हैं, उससे डीसी कन्वर्ट कर लेंगे। n1 × n2 क्या आएगा आपके पास, ijk यहाँ से 1 2 - 3 2 1 1, i (2 + 3 - j (1 + 6 + k (1 - 4) 5i - 7j - 3k, है ना। अच्छा अब इसका मॉडुलस देख लेते हैं, 25 ये बन जाएगा 25 + 49 + 3 52 + 25 = √77, ठीक है ना। तो DCs क्या आ जाएंगे, लेंथ से डिवाइड दे देंगे, 5/√77 -7/√77 -3/√77, ये पार्ट भी एंड हो गया। थर्ड पार्ट,
इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, ऐसा प्लेन चाहिए जो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इस पॉइंट से पास होता हो। तो एक ऐसा प्लेन चाहिए जो दो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, एक पॉइंट से पास होता हो। तो ये पार्ट हमने को शायद किया था, ये शायद अपना सेकेंड पार्ट था जो अभी एक क्वेश्चन किया था जिसके चार पार्ट थे, उनमें से ये सेकेंड पार्ट था। एक बार फिर से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक लाइन लिख के डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। मेरे को फ्लोर वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और फ्लोर वाला प्लेन ये जो ग्रीन बोर्ड है इसके भी परपेंडिकुलर है, और ये जो फ्रंट सामने वॉल है उसके भी परपेंडिकुलर है। फ्लोर वाला प्लेन चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं ये चाहूँगा कि किसी भी तरह से मेरे को फ्लोर वाले प्लेन पर कोई तीन वैक्टर डिफाइन कर दे। तो मैं बोल दूंगा तीनों वैक्टर कोप्लेनर है, उनका डिटर्मिनेंट, उनका एसटीपी जीरो होगा। तो इसमें दो वेक्टर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्योंकि फ्लोर वाला प्लेन अगर बोर्ड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है तो बोर्ड वाले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 3 के, उसको लोग फ्रीली शिफ्ट करेंगे तो फ्लोर वाला ही करेगा। एक वेक्टर आ गया, दूसरा यहाँ से आ जाएगा, और तीसरा मैं डिफाइन करूँगा। कैसे डिफाइन करूँगा, फ्लोर पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 2, 1, तो कहीं पर दूर जाकर मैं एक पॉइंट पी पिक कर लूँगा जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, उसको गिवन पॉइंट से ज्वाइन करके एक जनरल वेक्टर डिफाइन करूँगा, और दो वेक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उनका एसटीपी जीरो। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं x माइनस 2 बाई माइनस 2 जेड माइनस 1, ये वेक्टर मैंने डिफाइन किया है, बाकी दो वेक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलकर 1, 2, -3, एक यहाँ से मिलकर 2, 1, 1, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर, इनका डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ से आपको पेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की थ्योरी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ और थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम भाई है यार कि अभी भी थ्योरी उस लेवल पर नहीं पहुंची है जिससे आपको कुछ होमवर्क दिया जाए। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, फेस पे स्माइल आ रही है, अच्छा है, चलो यार होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये टेंशन आपको हो जाएगी आगे फिर ज़्यादा होमवर्क मिलेगा, करना तो है यार। तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली होमवर्क देंगे, थोड़ा और स्पीड से चलेंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों।